मेंस फॉर्मल सॉल्यूशन। मेन स्टूडियो में आपको सभी प्रीमियम क्वालिटी के फॉर्मल वियर मिलेंगे। स्टिचिंग में सभी कुर्ता पजामा पठानी पैंट शर्ट फॉर्मल कोट टू एंड थ्री पीस शेरवानी और सदरी आपको मिलेगा। साथ ही साथ रेडीमेड में ब्लेजर टू पीस थ्री पीस शेरवानी और सदरी भी अवेलेबल है। मेन स्टूडियो क्वालिटी पे यकीन करता है, इसलिए उनके सभी फैब्रिक इंपोर्टेड और प्रीमियम क्वालिटी के होते हैं, जैसे रेमंड डीएनजे सियाराम डोनियर बिरला सेंचुरी जैसे ब्रांड्स। मेन स्टूडियो शमशाद नगर मुमरा ठाणे। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कांटेक्ट करिए दिए गए नंबरों पर। कथित गौरक्षकों के हमले में गंभीर रूप से घायल हुए असलम मुल्तानी को हुआ ब्रेन हेमरेज। शिकायत दर्ज करने के बावजूद पुलिस ने नहीं की कोई गिरफ्तारी। गुजरात के भरूच की वारदात। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आए दिन गौरक्षा के नाम पर कथित गौरक्षकों द्वारा खासकर मुस्लिम समुदाय के चालकों को निशाना बनाया जाता है। जिस तरह से हरियाणा राजस्थान की बॉर्डर है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, उसी तरह से गुजरात भी है, तो गुजरात में भी ऐसे मामले लगातार बढ़ते जा रहे। गत 3 जनवरी बुधवार को सूरत के मंगरोल गांव में रहने वाला असलम मुल्तानी अपने पिकअप में 3 गाय और अन्य कुछ जानवर भर के भरूच जा रहा था। उसी दौरान पीछे से उसकी गाड़ी को दूसरी एक गाड़ी ने जोरदार टक्कर मारी, जिसके चलते उसकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। और ऐसी दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी में ही इस टक्कर मारने वाली गाड़ी में से जो लोग थे उन्होंने निकलकर असलम को बेरहमी से मारपीट की। असलम को इस मारपीट में, जिसमें धारदार हथियार और लाठी डंडे इस्तेमाल किए गए थे, जिसके चलते असलम मल्टीपल फ्रैक्चर असलम को हुए, साथ ही उसके दिमाग में सर में ब्रेन हेमरेज हो गया। डॉक्टरों को एक बड़ा ऑपरेशन इस संबंध में करना पड़ा। असलम मुल्तानी पिकअप में जानवर भरकर गायें साथ में थी, सूरत के मंगरोल गांव से निकलकर भरूच जा रहा था, तो अंकलेश्वर तक पहुंचने के दौरान ही ये वारदात उसके साथ घटी है। और असलम मुल्तानी पर हमला करने वाले सूरत भरूच और इस आसपास के तमाम शहरों में खुद को कथित तौर पर गौरक्षक घोषित करने वाली एक महिला है नेहा पटेल। नेहा पटेल के साथी है नवीन पटेल, भरत भारवाड़ और अन्य कुछ लोग हैं। असलम के मामले में 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। नेहा पटेल, नवीन पटेल, भरत भारवाड़ और अन्य एक युवक है इनका साथी अज्ञात। तो इन सब के खिलाफ धारा 307 के तहत पुलिस ने पनोली पुलिस स्टेशन जो पड़ता है वहां पर भरूच पुलिस ने ये एफआईआर दर्ज तो कर ली है, लेकिन पुलिस का कहना है कि सभी आरोपी भूमिगत हो चुके हैं, यानी अंडरग्राउंड हो चुके हैं, इसलिए उनका कोई अता पता नहीं मिल रहा है। फिर भी पुलिस जो है उनकी खोज कर रही है। वही क्रुएल्टी अगेंस्ट एनिमल एक्ट के तहत असलम के भी खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। मारपीट के बाद लवलुहान असलम को किस तरह से फेंका गया था, 2 लोगों ने असलम को देखा और वो असलम को जानने वाले निकले, फिर उन्होंने असलम के चाचा गुलाम मोहम्मद को संपर्क किया। असलम के भाई के साथ गुलाम मोहम्मद उसके चाचा वहां पहुंचे और उसके बाद असलम को अस्पताल पहुंचाया गया और फिर इसमें कानूनी कार्रवाई भी की गई। इतना ही नहीं, मारपीट क्यों की गई, इसलिए असलम के तरफ से कुछ लोगों ने जब नेहा पटेल और उनके ग्रुप को कॉल पर बात की तो किस तरह से दबंगई और दादागिरी वाली और धमकाने वाली भाषा इस्तेमाल की जा रही है, उसका वीडियो भी है, वो हम आपको दिखाएंगे कि असलम मुल्तानी जिंदगी और मौत से झूलते हुए ऑपरेशन के बाद अब जाकर के उसकी हालत स्थिर बनी है, मगर इन कथित गौरक्षकों का सरकार न तो कुछ कर रही है ना ही इन पर कोई नकेल कसने की सरकार की मंशा दिखाई देती है, क्योंकि ये सारे मामले कहीं ना कहीं मुसलमानों के खिलाफ एक मत प्रवाह बनाने के लिए और मुसलमानों को गलत ठहराने के लिए काम ही आते हैं। और हर तरफ राज्य हो या केंद्र हो, सरकार जो है वो किसकी है और कौन सी नीतियों की है ये सभी को पता है। तो देखिए किस तरह से असलम मुल्तानी के साथ जो है ये मंगरोल से भरूच के बीच अंकलेश्वर तक के बीच ये पूरी वारदात घटी है। જે કરે તે હલો તમને માણસ ને મારવાનું લાયસન્સ છે
તમને માણસ ને મારવાનું લાયસન્સ છે કે માણસ ને મારી નાખો લો? તલવાર થી મારવાનું ગાયક આપવાનું લાયસન્સ નથી, પણ મારી વાત સાંભળો, તમે જે કાયદેસર ની કાર્યવાહી કરતી હો તે કરો. તમને મારવાનું લાયસન્સ છે, અમે માર ના કહેતા છે. તમે ગાય ના કપવા વાળા ને પકડો, એને ફાંસી આપો. કઈ વાંધો નહીં, તમે જ્યાં હશે તે એ કોર્ટમાં સાબિત થશે. તમે જ્યાં હશો તે મારે એની સાથે કોઈ લાગે વળગે નહીં ભાઈ, બરાબર? હા, એફઆઈઆર માં બી લખાવીશ. હશે તો લખાવીશ, એફઆઈઆરમાં હશે તો લખાવીશ. એમાં કઈ જવું જ નથી ભાઈ. હા, ધમકી આપવાની વાત જ નહીં કરવાની. તારા જેવા કેટલા આવ્યા ને કેટલા ગયા, એટલે એફઆઈઆર ની વાત જ છોડજે તું મારા ભાઈ. હા, એટલે તું છે ને જે ધમકી આપતો તે બીજાને આપજે, મને આપવાની જરૂર નહીં મળે તારે. હા, વાર નહીં લાગે તારે, થાય તે કરે ને મારો ભાઈ, તારે થાય તે કરે. અહીંયા છું અંકલેશ્વર, આવી જા અંકલેશ્વર છું, આવી જા. હા, કઈ વાંધો નહીં, ચાલો. ઓકે, વાંધો નહીં ભાઈ, અમારે થાય તે કહીશું અમે, બાકી તમે કરો વાંધો નહીં. ઓકે, વાંધો નહીં ભાઈ, બરાબર, ચાલો. ભાઈ મમ્મા ખેલો લી આગળ.